हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गूगल अकाउंट परमानेंटली कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां जाके myaccount.google.com पे जाना है। उसे सेलेक्ट कीजिए। उसे सेलेक्ट करने के बाद जो भी गूगल अकाउंट आपको परमानेंटली डिलीट करना है वो अकाउंट जाके सेलेक्ट कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो ये है कि जो डेटा एंड पर्सनलाइजेशन वाला जो टैब है इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ना एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है ना, डाउनलोड डिलीट और मेक अ प्लान फॉर योर डेटा, ये वाले ऑप्शन में जाके ये देखिए डिलीट और सर्विस और योर अकाउंट, ये वाला सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज है, एक है डिलीट अ गूगल सर्विस, एक है डिलीट योर गूगल अकाउंट। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, ये जो पहला वाला है ना, इसमें गूगल का कोई भी एक सर्विस, एक या एक से ज्यादा सर्विस आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। सर्विस एज इन क्या, गूगल क्या प्रोवाइड करता है? गूगल हमें जीमेल प्रोवाइड करता है, गूगल ड्राइव देता है, यूट्यूब प्रोवाइड करता है, कैलेंडर हो गया, प्ले स्टोर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो गूगल प्रोवाइड करते हैं, इनमें से कोई आपको कुछ अनइंस्टॉल करना है परमानेंटली, तो आप ये वाला जो है डिलीट अ गूगल सर्विस पे जा सकते हो, डिलीट अ सर्विस। बट अगर आपको पूरा ही गूगल अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है, आपको एक एक सर्विस नहीं डिलीट करना, आपको पूरा अकाउंट ही डिलीट करना है, तो बेटर होगा इस पे जाइए, डिलीट योर अकाउंट। आज वाले वीडियो में हमें पूरा गूगल अकाउंट ही डिलीट करना है। आप इस पे सेलेक्ट कीजिए डिलीट योर अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको वो फिर से पासवर्ड मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए। आप पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट दबाइए। अब ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिलीट योर गूगल अकाउंट। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बहुत ध्यान से पढ़िए, या आपका नॉर्मल टर्म्स एंड सर्विसेस नहीं है जो आप इग्नोर कर देते हो, या आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीजन यही है कि एक बार आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया ना गूगल अकाउंट, तो आपके जो भी फोटोज होंगे ना, जो ईमेल्स होंगे इंपॉर्टेंट वाले, या आपने कुछ कॉन्टैक्ट सेव किए रहेंगे अपने जीमेल अकाउंट पे, या कुछ पासवर्ड्स रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सब चले जाएंगे। एंड आगे जाके रिकवर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो बेटर होगा एक बार आप सब बैकअप लेना, एंड उसके बाद ही सोचना अपना गूगल अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने के लिए। इसमें देखो एक और ऑप्शन भी दिया है कि आप अपना जितना भी डेटा है सब डाउनलोड कर सकते हो अकाउंट डिलीट करने से पहले। इसमें नीचे मेंशन किया है कि आपका कौन सा डेटा जो गूगल है, गूगल पे है, वो डिलीट होने वाला है। एग्जाम्पल मेरे केस में जीमेल का पार्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, कैलेंडर हो गया। ये सब बेसिक वाली चीज, अगर आप श्योर हो कि हाँ मेरे को अभी ये जरूरत नहीं है ये गूगल अकाउंट का, तो ही परमानेंटली डिलीट करने का सोचना। यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ हर एक चीज और मुझे परमानेंटली डिलीट करना है गूगल अकाउंट और उसके डेटा। डिलीट अकाउंट पे जाइए, आपका गूगल अकाउंट एंड जितना भी डेटा गूगल के पास था आपका सब कुछ डिलीट हो गया है। इसमें आगे जाके गूगल ने एक और चीज बताई कि अगर आपने गलती से आपका गूगल अकाउंट डिलीट कर दिया हो, कुछ एक्सीडेंट हुआ हो ऐसा, तो आप उसे आपको थोड़ा और टाइम मिलेगा उसे रिकवर करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको अकाउंट सपोर्ट पे जाना होगा। आप साइन इन कीजिए फिर से चेक करने के लिए, अपना जो अकाउंट आपने डिलीट किया है वो वाला फिर से डालिए। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मैंने पुराना वाला अकाउंट डाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अकाउंट अभी अभी ही डिलीट हुआ है, बट फिर भी रिकवर किया जा सकता है। रिकवर करने के लिए आगे स्टेप्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो कि आपको कैसे टाइप के वीडियोस देखने हैं। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगा कि मैं वैसे टाइप के वीडियोस बना सकूं आपके लिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।